Now, India has reached the Under-19 World Cup final for the fifth consecutive time and will be facing Australia on Sunday. Now, India defeated South Africa in a very closely fought semi-final. And the captain there, Uday Sharan, obviously everybody's talking about him. Another player who sort of the jugalbandi between Uday and Sachin Das really got India to win. Sachin, now remember, is named after Sachin Tendulkar and got out on 96 runs. India did make it finally over there. But their victory has got everybody talking about what next. It was quite a match. We're all gearing up to see what happens on Sunday. So we thought, let's go into seeing the success mantra of these boys. Remember, these boys who you see as under 19 will be the Kohlis and the Dhonis and the Sachins of tomorrow. So it was very important for us to go back and see what their roots are. And a very nice theme emerged out of that. Both Uday and Sachin come from Rajasthan and Maharashtra respectively, are both sons of fathers who could not make it to the big league and now are vicariously living their dreams through their boys. Knowing all of this, obviously I had to talk to them. So take a look at my conversation with their parents. It'll really leave your heart so warmed. संजय जी, सुरेखा जी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं ब्रॉडकास्ट पे. नमस्कार सर, नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. नमस्ते सोनम जी. नमस्ते. नमस्ते सोनम जी. नमस्ते. नमस्ते. मैं अभी बस दर्शकों को बता रही थी कि बड़ा एक्साइटिंग समय है. पूरा देश तो वेट कर ही रहा है, लेकिन आपके सेंटिमेंट्स तो कुछ और ही होंगे इस समय. सबसे पहले तो मुझे बताइए, लास्ट जो पारी खेली सचिन ने, उसमें जो उन्होंने छक्के पर छक्के मारे और कैसे टीम को एकदम फिनिशिंग एंड तक लेकर गए, उसके बाद जब आपकी बात हुई, आपने फोन पर क्या कहा उनसे? बहुत बहुत मुबारकबाद दिया मैंने. और जो जो इंडिया की जो स्थिति थी, उसमें से उसने जो विजय उदय सारंग ने और सचिन ने जो बारी खेली, बहुत शांत और संयमी बारी खेली. आखिरी तक उन्होंने मैच को लेके गए और अच्छे स्ट्रोक खेले, ग्राउंड शॉट खेले, अच्छे स्ट्रोक खेले. और दोनों में जो कॉम्बिनेशन था, वो चीज़ बात करके हर ओवर में, तो हर बॉल को जो बात करके जो उन्होंने जो वो बारी लंबी खींच के लेके गए और आखिरी तक उन्होंने जीता, इंडिया को जिता के दिया. जो 96 पे सचिन आउट हो गया, तब ऐसा लग रहा था कि 100 होना चाहिए था और नॉट आउट आना चाहिए था. ये फीलिंग आई थी मेरी, एक पेरेंट्स बोल के, पिता बोल के. लेकिन जो खेला वो कॉन्फिडेंसली खेला, और जब वो खेल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, आज सचिन जाके ही देगा. संजय जी, मैं अगर कह सकूं, सचिन ने एकदम सचिन वाली पारी खेली है. मुझे ये भी बताया गया कि आपने उसका नाम सचिन रखा, सचिन तेंदुलकर के ऊपर. ये कैसे हुआ, मुझे जरा बताइए. हाँ, मेरे बिग फैन सचिन तेंदुलकर जी थे, और मैंने सोच के ही नाम रखा था कि उसको क्रिकेटर बनाने का है, और उसका नाम सचिन ही रखने का है, और उसको क्रिकेटर ही बनाने का है. नाम में बहुत कुछ है. मेरे बच्चे पे वो नाम का ही आशीर्वाद है. जो वो अच्छा खेल रहा है और कॉन्फिडेंसली खेल रहा है, और ऐसा ही खेलते रहे कि उसने इंडिया को वर्ल्ड कप जिता के देना, यही ख्वाहिश है मेरी. यही ख्वाहिश है. पर आपकी ख्वाहिशें तो बहुत यंग एज पे शुरू हो गई थी. मुझे बताया गया है कि आप भी कबड्डी खेलते थे. सुरेखा जी बैठी हैं, वो भी कबड्डी खेलती थी. आपने क्रिकेट बहुत खेला बहुत समय तक. हाँ. और आप जिस लेवल तक नहीं पहुंच सके, आप उससे हाँ. आगे अपने बेटे को लेकर जा रहे हैं. सफर तो एक ये छोटे सिटी में से ये बहुत मुश्किल था. जब उसको मैंने ठहराया था कि उसको क्रिकेटर बनाने का है, तब बहुत अड़चनें आए. यहाँ ग्राउंड्स नहीं थे. एक गवर्नमेंट का DSO का ग्राउंड था, उसमें हमने उसका क्रिकेट खेलना शुरू करे. मैंने फिर कोच ढूंढे, तो आदर्श क्रिकेट एकेडमी में आदर्श सर बोल के थे, उनके पास मैंने उसको 4.5 साल का था तब उसको डाल दिया वहाँ. और सर ने भी, आदर्श सर ने उस पर बहुत मेहनत करी. बाद में वो 14 के लिए सेलेक्ट हो गया. फिर वहाँ अजय सर, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अजय चौहान सर थे, उन्होंने बताया कि ये बच्चा अच्छा खेलता है तुम्हारा, लेकिन इसको मैटिंग पे मत खिलाओ, टर्फ विकेट पे प्रॉपर खिलाओ, उसके ड्रीज लो.
तो मैंने अजहर सर से बात करी और हम दोनों ने मिलके चार पांच टर्प विकेट बनाए और उस पर फिर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो अजहर सर ने जो उस पर मेहनत करी और जो बच्चे ने मेरे उनका साथ दिया, तो इसकी आज उसका फल देखने को मिल रहा है। आज देखने को मिल रहा है आपके पीछे क्या सचिन की पिक्चर रखी हुई है, मुझे कुछ दिख रहा है पीछे रखा हुआ, आप मुझे दिखाएंगे जरा उठा के भी उसको? ये सचिन सचिन की है ये। हाँ, ये जब उसका इंडिया में सिलेक्शन हो गया था तब मेरे दोस्त ने मेरे को प्रेजेंट किया था ये। क्या बात है आज आपने पिक्चर्स रखी हुई है। हाँ, और अच्छी पारी खेल कर आएगा तो दूसरे लोग इस पिक्चर पे उसको ऑटोग्राफ मांग रहे होंगे, तो आई एम श्योर आपके घर में तो बड़ा एक्साइटमेंट होगा। मैम जरा आप बताइए, तो बचपन से इतना सैक्रिफाइस आप लोगों ने करा होगा एज पेरेंट्स एक बच्चे को इतने आगे निकालने के लिए, मुझे थोड़ा बताइए कैसे रहा? यस मैम, एज अ पेरेंट्स मैम मैं पुलिस दल में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर बोल के सर्विस करती हूँ, तो सचिन की पूरी जवाबदारी सचिन के पिता और सचिन की ये ग्रैंड मदर है उनके ऊपर आई थी, और उन्होंने बचपन से उनको अच्छी टाइम देके सचिन को क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छी एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। क्या बात है, एक वर्किंग मॉम के जो बच्चे होते हैं ना वो अलग ही कैलिबर निकलता है उनका। मुझे बताइए संजय जी, आपका भी तो मोटिव रहा होगा किसी जमाने में इंडिया के लिए खेलने का? नहीं मैम, मैं क्रिकेट खेलता था, एक शौक बोल के खेलता था, लेकिन इंडिया के लिए खेलने का इतना कैलिबर मेरे में नहीं था, और वो सपना मैंने मेरे बच्चे में देखा कि ये जरूर खेलेगा, और इसके वास्ते मैंने उसके उस पर मेहनत करना शुरू कर दी। मैंने पूरा पूरा मेरा जॉब ये सब फंक्शन वगैरह सब छोड़ दिया, सिर्फ बच्चा ग्राउंड उसकी प्रैक्टिस इस पे फोकस करे वाला मैडम 2008-2010 से मैंने पूरा फोकस जो किया है तो सिर्फ सचिन की प्रैक्टिस के ऊपर और उसके क्रिकेट के ऊपर करे वाला मैडम। मैंने सुना कि जब सचिन ने वो छक्के मारे उसके बाद कई लोगों ने आके उनका बैट देखा कि भाई इस बैट में तो कोई जादू नहीं है, ये कैसे छक्के पे छक्के मारा जा रहा है? नहीं, वो जो उसका बॉडी लैंग्वेज जब देखते हैं तो इतना स्ट्रांग नहीं लगता है वो, और जब वो जो 85-87 मीटर के बाउंड्री पे जो छक्का मारता है तो लोगों को ताजुब होता है कि वो कैसा मारता, तो वो टाइम उसका बैट आके उसने देखे थे, जो मैच रेफरी थे उन्होंने देखा था बैट, वो मेरे ख्याल से वो 16-19 का पीरियड है वो, तो उसका बैट चेक करे थे कि ये हेवी वेट है क्या, ये कैसा है, वो मोटा है क्या, ये चेक करे थे, लेकिन जब उन्होंने बैट देखा तो ओके बोल के छोड़ दिए थे। मुझे लगता है बैट नहीं, कमाल तो परवरिश का है जो आप लोगों ने दिया है उसको। मुझे बताइए आप जब फाइनल में फाइनली जा रही है टीम, जब टीम जा रही है अभी, आई एम श्योर वो आपको कॉल करता है, पूछता है कैसा करना है, क्या करना है, स्ट्रैटेजी डिस्कस होता है आपके साथ, क्या उसको आपने बोला है कैसे परफॉर्म करना है वर्ल्ड कप फाइनल के लिए? फोन करता है वो, कोच से बात करता है, मेरे से बात करता है, लेकिन हम जो जब मैं उसको बात करता हूँ तो वहाँ जो कानिटकर सर है, लक्ष्मण सर है, ये बहुत बड़े प्लेयर है, ये क्रिकेट के भगवान है, ये जो उसको मीटिंग में जो रोल बताते हैं, जो डिस्कस करते हैं, जो उसको सचिन को बताया जाता है कि तेरे को ये करना है, या तो वो उसको हम इतना ही बताते हैं कि जो कानिटकर सर, लक्ष्मण सर जो बताते हैं वही तेरे को करना है, और 100% तेरे को टीम के वास्ते देना है, ना कि पब्लिक के वास्ते खेलना है, ना बड़े बड़े छक्के मार के पब्लिक को खुश करना है, जो टीम की जरूरत है वो हिसाब से वो नंबर पे वही बैटिंग करना है तेरे को। क्या बात है मैम, जरा मुझे बताइए सचिन की जब वो जीत कर आ जाएगा वापस, या जैसा भी अपना बेस्ट खेल कर आएगा, हम तो ये चाहते हैं इंडिया के लिए जरूर जीते हम रूट करेंगे उसके लिए, लेकिन अपना बेस्ट करके जब आएगा उसका स्वागत कैसे करेंगे आप घर पे? यस मैम, हाँ सचिन जब वर्ल्ड कप जीत के आएगा तो हमें विश्वास है वो वर्ल्ड कप विनर होके आएगा, और उसका हम सब भीड़वासी, हम फैमिली, सब रिलेटिव्स बोल के बहुत अच्छा स्वागत धमाल से करेंगे मैडम। धमाल से करेंगे बस, और उसको वर्ल्ड कप आना जीत, और फाइनल कैसे देखेंगे उसकी क्या तैयारियां? दिवाली होगी मैडम फाइनल, अभी मैडम यहाँ मल्टीप्लेक्स है तो वो एक 400 सीट का
स्क्रीन बुक करने वाले सब लोग, स्क्रीन पे सब देखेंगे, सब लोग उस पे देखने का प्लानिंग चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, गुड लक, गुड लक फाइनल के लिए। थैंक यू मैम, शुक्रिया मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू।